हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मावा की रेसिपी। ये रेसिपी बेहद ही आसान है और बहुत सारी चीज़ों में मावा का यूज़ किया जाता है, तो हम इसे मार्केट से क्यों लाएं जब इसको हम घर पर ही बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से जो मावा की रेसिपी को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ी कढ़ाई का यूज़ किया है और उसमें 2 लीटर दूध डाला है। आप भी एक बड़े सरफेस वाली कढ़ाई का यूज़ कीजिए और नॉन स्टिकी बर्तनों का यूज़ मत कीजिए। अब हम जो दूध को चलाते हुए पकाएंगे। दूध को पकाना बेहद ज़रूरी है और मावा की रेसिपी में तो जो दूध है उसको लगातार हिलाना भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसीजर में जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, तो इसमें पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इसे अच्छे से नहीं हिलाएंगे तो जो मावा का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा, तो इसलिए जो हमें दूध है उसे लगातार हिलाते हुए रहना है। ये देखिए, बिल्कुल जो हमारी कड़छी का यूज़ कर रहे हैं या किसी और चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बिल्कुल नीचे से खुरचते हुए हमें जो दूध है उसे हिलाना है, ताकि जो दूध तली पर बिल्कुल ना चिपक जाए। मावा की रेसिपी में हमें इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब दूध को हमें जो क्वांटिटी है उसकी रिड्यूस करते हुए रहना है और लो से मीडियम फ्लेम पर। अब ये देखिए, दूध को पकाते हुए मुझे 1.5 से 1.25 घंटा हो गया था और जो दूध है देखिए कितना रिड्यूस हो गया है। इसे कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगा था पूरा दूध से मावा निकालते हुए, तो अभी 1/2 घंटा इसको और लगेगा जब तक ये बिल्कुल एक मावा जैसे हम मार्केट से लाते हैं उसकी शेप तक आने में। ये देखिए, इसको अच्छे से हम हिलाएंगे और बिल्कुल भी तली पर इसको चिपकने नहीं देना है, नहीं तो जो मावा है उसका कलर डार्क हो जाएगा और उसमें से एक स्मेल आने लग जाएगी। अब ये देखिए, मावा है वो बनना शुरू हो गया है और जो दूध है वो बिल्कुल ही जो लिक्विड फॉर्म में था अब वो हार्ड फॉर्म में आ रहा है। अब हम इसे अच्छे से हिलाते हुए रहेंगे और यहाँ पर जो फ्लेम है उसे लो ही रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है, नहीं तो जो मावा है वो भी चिपक जाएगा और मावा से जो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी अगर वो तली पर चिपक जाएगा। अभी 10 मिनट और लगेंगे इसको प्रॉपर शेप में आने में। बिल्कुल हमें जो फ्लेम है उससे लो ही रखना है और लो रखते हुए हमें इसे अच्छे से हिलाते हुए रहना है। बस अब 5 मिनट और हैं और ये अच्छे से जो है एक मावा का फॉर्म ले लेगा। मावा का यूज़ तो बहुत सारी जो रेसिपीज़ में किया जाता है, तो इसे घर पर निकालना ही उतना ही आसान है, बस थोड़ा टाइम इसमें जो है कंज्यूम होता है। अब हम जो मावा है उसे निकाल लेंगे। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है।